मेरा नाम कुलदीप सिंह गदराणा एडवोकेट एक्स चेयरमैन अज सारे साथियों इतने पी सी करी सी और पी सी का मकसद सीगा कि असी बड़े लंबे टाइम तो लगभग 34 साल तो कांग्रेस पार्टी की सेवा च लगे हुए सी और अज बड़े दुखी दिल दे नाल भारी मन दे नाल कांग्रेस पार्टी तो त्याग पत्र दे रहे हैं। ऐसा मोड़ इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी में अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रही। कांग्रेस पार्टी में बहुत हाई लेवल पे गुटबाजी पैदा हुई। कांग्रेस पार्टी की जो गुटबाजी है नेताओं की गुटबाजी से हटके गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गुटबाजी चली गई और कांग्रेस पार्टी में आज पैसे का और चापलूसी का बोलबाला हो गया और इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़ी। गुटबाजी की वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमान है वो वहाँ कमजोरी आ गई। हाईकमान कमज़ोर होने की वजह से जो हमारे सीनियर लीडर हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के नाम पे राज किया है वो कांग्रेस पार्टी को ही आंख दिखाने लग गए, इसलिए गुटबाजी ज़्यादा पैदा हो गई। नहीं, इलेक्शन के पहले भी थी, इलेक्शन से पहले भी कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था। जैसे आप देख लो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले छोड़ गए थे, सचिन पायलट जी जो बड़े लीडर थे वो भी असंतुष्ट थे। हरियाणा में भी बहुत लीडर कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे थे और इलेक्शन जब किसी पार्टी में इलेक्शन होता है या इलेक्शन नज़दीक होते हैं तो उसका भी स्वाभाविक असर पड़ता है। हमारा स्टेप तो आगे भी हम सभी अपने साथियों से राय मशवरा करेंगे, जैसे जो हमारे साथी हमारे को मार्गदर्शन दिखाएंगे उसी पे काम करेंगे। नहीं, अभी सभी साथियों से राय मशवरा करने के बाद डिसाइड करेंगे। आज हमारे साथ श्री श्यामलाल मेहता जी सिरसा विधानसभा से हजका पार्टी से चुनाव लड़े उन्होंने और सरदार जगसीत सिंह जी एक्स चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी कालावाली और हजारों की संख्या में हमारे साथी हमारे साथ आएंगे जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारी भी रहेंगे, सरपंच पंच मेंबर चेयरमैन सभी साथी आएंगे। बस बहुत जल्दी हम अपने साथियों से विचार विमर्श करके कोई फैसला लेंगे, तय करेंगे कि अब क्या करना चाहिए, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो अभी तक फिलहाल जो भी होगा अच्छा होगा, जो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। कांग्रेस वाली पार्टी ने तो पहले भी कहा था, अभी जो 2.5 साल पहले इलेक्शन हुए थे तो सिर्फ टिकटों के युद्ध लड़ाई की वजह से टिकटों का बंटवारा इतना गलत किया गया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो वहीं की वहीं रह गई, हार गई। अदरवाइज बहुत अच्छा मौका था, इसलिए बीजेपी से लोग दुखी आ चुके थे, उनकी झोली में डाल दी सरकार, दोबारा सत्ता उन्होंने बना ली। मतलब गलत कैंडिडेट को टिकट दी जाती है, ये सिर्फ इनकी आपस की फ्रैक्शनबाजी की वजह से। अगर फ्रैक्शन ना होती तो कांग्रेस का राज होता, यहाँ कांग्रेस पार्टी जीतती। हमारे दोस्त हैं, इन्होंने 35 साल तक लड़ाई लड़ी कांग्रेस के लिए, इनको भी टिकट नहीं दी गई जबकि टिकट के दावेदार थे ये, टिकट छोड़ दी, इनकी नहीं दी और विनिंग कैंडिडेट में थे। तो ऐसी बहुत सी सीटें थी जो इन्होंने मतलब ऐसे गंवाई भी है, चाहे भले वहाँ से आदमी जीत गया मगर बहुत सी सीटें ऐसी हैं जो इन्होंने टिकट नहीं दी और वो सीटें गई चली। हर कोई सीएम बनना चाहता है, यहाँ जो बड़े नेता हैं वो सब लोग ये सोचते हैं कि मैं सीएम बन जाऊँ, वो कहता है मैं सीएम बन जाऊँ जी। हाँ तो और बहुत है अभी तो लड़ने वाले, एक चला गया तो और भी तो बहुत है, लड़ाई तो इनकी जारी है, चल रही है, आज भी चल रही है। मैं कल नाम तो नहीं लूँगा मगर चल रही है लड़ाई।